हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रॉपर्टी रिलेटेड एपिसोड में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ खुशवंत फ्रॉम एमिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही आइडिया आता है कि हमको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस में, फिक्स डिपॉजिट में, क्रिप्टो करेंसी में, या फिर रियल एस्टेट के अंदर। अब हम एक एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और उसके रिटर्न्स के बारे में जानते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट है जैसा है जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर हम पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को उठाकर देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि गोल्ड के अंदर जिन जिन ने भी इन्वेस्टमेंट की है वो 5 से लेकर 7% तक का हमको रिटर्न देखने को मिला है। इसके बाद आते हैं शेयर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, या फिर इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी अगर हम पिछले कुछ सालों की रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमें 10 से लेकर 12% तक का रिटर्न देखने को मिला है। फिर आते हैं हम फिक्स डिपॉजिट के अंदर। फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 5 से लेकर 7% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है, और उसके अंदर हमारे पास कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होती है। फिर आते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो इसका तो वही हाल है कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, तो इसके ऊपर हम कोई अनसर्टेन मार्केट के अंदर भरोसा नहीं कर सकते। फिर आते हैं हम रियल एस्टेट के अंदर कि हमको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, कि चाहे वो अलग अलग कमर्शियल मार्केट हो, रेजिडेंशियल मार्केट हो, प्लॉटिंग मार्केट हो, उसके अंदर हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी आई है। हम देखते हैं डेली बेसिस पे हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, और हमें जगह जगह बैनर्स भी देखने को मिलते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर उस प्रोजेक्ट में। लेकिन एक जो फैक्टर है, जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके अंदर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, और जो वो फैक्टर है, वो फैक्टर है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। नाउ आई वुड से डोंट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट्स, रादर इन्वेस्ट इन ट्रस्ट। कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सबसे पहले ट्रस्ट के अंदर करनी है कि जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी क्या लिस्टेड कंपनी है, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, और जो कस्टमर्स पहले उस कंपनी से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो क्या खुश हैं या फिर अनहैप्पी हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, कि हमें अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो उसमें हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं। तो पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो रिटर्न्स के मामले में रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो कमर्शियल मार्केट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल मार्केट हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, पिछले कुछ सालों में लगभग 25 से 30% की एप्रिसिएशन देखने को मिली है। इसमें रेंटल इनकम भी इंक्लूडेड है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। तो हमने जितने भी प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, चाहे वो गोल्ड जिसमें 5 से 7% का रिटर्न देखने को मिलता है, फिक्स डिपॉजिट जिसमें 7 से 8% रिटर्न देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो 10 से 15% का एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, क्रिप्टो करेंसी में अनसर्टेनिटी है, और लास्ट में आते हैं रियल एस्टेट्स में। तो रियल एस्टेट की ही मार्केट ही एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर पिछले कुछ सालों में 25 से 30% रिटर्न देखने को मिले हैं। सो नाउ आई वुड से कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, सो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट्स यू शुड इन्वेस्ट इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, उनके प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने चाहिए, और जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और वो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आने वाली वीडियोस के लिए या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।